नवरात्रि के दिन यानी उपवास के दिन, उपवास के दिन यानी फलाहारी व्यंजनों के दिन। जी हाँ, ज्यादातर जब उपवास के दिन शुरू होते हैं तो लोग बाकी चीजों की अपेक्षा फलाहारी व्यंजन खाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनमें उतनी शुद्धता होती है जो आप व्रत में खा सकते हैं। हम पहुंचे हैं सराफा में, जानते हैं लोगों से कि फरियाली चीजों में वो क्या पसंद करते हैं और घर पे क्या बनाना पसंद करते हैं। आप बताइए कि जब उपवास करते हैं, हाँ। नवरात्रि के अलावा जो ओकेजन होते हैं, जब आप उपवास करते हैं तो क्या चीजें ज्यादा पसंद? सिंगाड़े के आटे के चिल्ले बनाना, वो टिकिया बनाना, और भजे बनाना, ये सब अपन आइटम घर पे ही बना लेते हैं, ताकि बाहर भी जैसे कभी मिला हुआ ना हो, इसलिए अपने घर पे शुद्धता ज्यादा रहती है। और ये बाहर की तो ये शिकंजी है, लस्सी है, इस टाइप की चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। फास्ट रखती है तो लिक्विड चीजें लेना पसंद करती है या फिर खिचड़ी और बाकी चीजों की तरफ ज्यादा? मैं तो फ्रूट्स ही पसंद करती हूँ। ओके, बस फ्रूट्स, शिकंजी, मिल्क, दही, बस। क्यों आखिर कि ये चीजें ज्यादा पसंद करते हैं? अभी तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, बिस्किट हो गए। फास्ट रखने का मतलब ही क्या है अगर इतनी सारी चीज खाए अपन तो? साबुदाने खिचड़ी ज़्यादा चलती है नवरात्रि में, 12 महीने चलती है। हमारे यहाँ तो बन थोड़ा सा बढ़ जाता है नवरात्रि में सामान, और बाकी तो फरियाल में सभी आइटम है मेरे पास। पपड़ी है, मिक्सर है, दाने हैं, एक मीठा है, सिंगदाने की बर्फी, दही खिचड़ी भी रखते हैं हम लोग। ऐसा करके फरियाली आइटम बेचते हैं। साबुदाने के बड़े भी है। तो साबुदाने के बड़े भी उतने ही पसंद किए जाते हैं या सिर्फ खिचड़ी पे लोगों का ज्यादा? नहीं, खिचड़ी पे ज्यादा है। वैसे पसंद तो बड़े भी करते हैं, लेकिन उसको हम क्या हथवा तल के देते हैं, इसलिए मतलब वो टाइम लग जाता है, ग्राहक इस पर ले लेते हैं मतलब ऐसा। बाकी बढ़िया बनता है बड़ा भी हमारे यहाँ। सांवरिया फलेहारी सेंटर करके है।